दुनिया में विभिन्न प्रकार के खदान मौजूद है जहां मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे खतरनाक खदान के बारे में जानते हैं जहां मजदूर के काम करने पर फेफड़े बिगड़ जाते हैं? दरअसल इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे मौजूद इजेन ज्वालामुखी के पास सल्फर की खदान स्थित है, जिसमें से सल्फर को निकालने के लिए मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। ये सल्फर इंडोनेशिया के विभिन्न फैक्ट्रियों में जाता है जहां उसका इस्तेमाल करके रबड़ सहित विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर आदि बनाए जाते हैं। ऐसे में सल्फर निकालने वाले खदान में मौजूद मजदूर जानलेवा धुआं और चमचमाती गर्मी में अपना जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, और ना ही उन्हें कोई आधुनिक औजार दिया जाता है और ना ही उन्हें कोई सुरक्षा ड्रेस दिया जाता है। इन मजदूरों को 1 किलोग्राम सल्फर खुदाई करने के लिए 7 सेंट यानी 58 पैसे दिए जाते हैं। इसमें मौजूद मजदूर दिन भर में 90 से 150 किलोग्राम तक सल्फर निकाल पाते हैं और इनकी दिनी दिहाड़ी भी बहुत कम होती है। इतना ही नहीं, इस सल्फर खदान में काम करने वाले मजदूरों को घातक धुएं में सांस लेनी भी पड़ती है जो फेफड़ों में पहुंचकर उन्हें गलाने का काम करता है, और ये सल्फर का धुआं मजदूरों को आंखों में भी नुकसान पहुंचाता है जिसके वजह से कमजोरी और अंधेपन का भी सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट्स के माने ज्यादातर युवा सल्फर में काम करने वाले खदान में 30 से ज्यादा की उम्र में ही दम तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जॉब भी माना जाता है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। सब्सक्राइबर किए रहेंगे तो ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचेंगे शायद ही आपको पता हो।